नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौलिक जैन और नवकार सिस्टम्स में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं वीडियो डोर फोन, उसके साथ हमारे नवकार सिस्टम्स के इलेक्ट्रॉनिक लॉक और नवकार सिस्टम्स की जो वाईफाई वाली पावर सप्लाई है उसके बारे में। यहाँ पर हमने रिमोट वाली सप्लाई को यूज़ नहीं किया है। कुछ कस्टमर्स को रिमोट सिस्टम नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि वीडियो डोर फोन से देख लें और मोबाइल ऐप से ही अनलॉक कर लें। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम इस सिस्टम के बारे में, जैसे अब ये बाहर से बेल बजी, इस पर हमारा डिस्प्ले आया तो हम यहाँ से गेट को अनलॉक कर सकते हैं। ये गेट हमारा लॉक्ड है और ये अनलॉक हो गया, तो ये हमारा अनलॉकिंग हुई इससे। और ये हमने इसको अब बंद कर दिया। अब हम इसमें रिमोट मोबाइल ऐप सिस्टम को ऐड करेंगे। इसी वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी अगर इस वाईफाई वाली सप्लाई को हमने वाईफाई से कैसे कनेक्ट करना है और रिमोट यूज़ नहीं करना है। तो हम यहाँ पर मोबाइल ऐप, जो हमारी स्मार्ट लाइफ ऐप है, ये हमारी स्मार्ट लाइफ ऐप है, हमने इसको खोल लिया है। ये स्मार्ट लाइफ ऐप है, इसमें हम GPS हमने ऑन करना है, वाईफाई से कनेक्ट कर देना है, जिस वाईफाई से हम इस डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं इस डिवाइस को हमने कनेक्ट करना है। और हमने इसको GPS भी ऑन कर देना है, ब्लूटूथ भी ऑन कर देना है मोबाइल के अंदर, और वाईफाई से 2.4 GHz के वाईफाई से कनेक्ट कर देना है। और अब हम इसको ऐड डिवाइस करते हैं। अब ऐड डिवाइस करेंगे तो उसके लिए इसको पेयरिंग मोड में डालना पड़ेगा। उसके लिए हम इसके स्क्रू हम खोल के इसको हमने पेयरिंग मोड में डालने के लिए इसका कवर उतार देते हैं। उसको 5 सेकंड के लिए हम इसको प्रेस करके रखते हैं। जब हम कुछ सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो ये डिवाइस हमारी पेयरिंग मोड में आ जाएगी। ये लाइट ब्लिंक करने लग गई है और ये डिवाइस हमारी, यहाँ देखिए, ये पेयरिंग मोड में आ गया है। हम इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और पासवर्ड डाल देते हैं और ये अभी ऐड हो रहा है, ये अब एडिंग हो रही है और ये ऐड हो जाएगा इसके बाद। तो ये अब डिवाइस हमारा ऐड हो गया है और यहाँ पर हम इसको डन कर लेते हैं और ये हमारी डिवाइस ऐड हो गई है। अब हम इसको टाइमर में जाकर एक जी सेटिंग हमेशा ऑन कर लेनी चाहिए, इंचिंग सेटिंग को हम ऑन कर देते हैं। और अब हम इसको देखिए, ये हमने लॉक को लगा दिया है और हम इसे लॉक को अनलॉक कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये हमने लॉक को लगा दिया है और ये हम लॉक को अनलॉक कर पा रहे हैं। तो यहाँ इस पूरे सिस्टम में हमने एक वीडियो डोर फोन यूज़ किया है, एक विजन का इलेक्ट्रॉनिक लॉक, एक 12 वोल्ट की सप्लाई और ये वाईफाई वाली पावर सप्लाई। 12 वोल्ट सप्लाई हमें देनी पड़ती है क्योंकि वीडियो डोर फोन को 12 वोल्ट के थ्रू स्विचिंग करनी होती है, वो हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम हमारा वर्क करता है। आई होप ये सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसी तरह के सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट रहती है, आप हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।